जब ईरान की ये मिसाइल फायर की जाती है तो तस्वीरें ऐसी होती हैं। जब ईरान की ये मिसाइल अपने टारगेट पर गिरती है तो धमाका ऐसा होता है। अब यही मिसाइल रूस पहुंचने वाली है और समझ लीजिए कि इस मिसाइल को लेकर बात पक्की हो गई है। ये है ईरान की फतेह 110 मिसाइल। अमेरिका इसकी दहशत जानता है, इजराइल इसका खौफ समझता है और अब इसी मिसाइल के जरिए पुतिन यूक्रेन को डराना चाहते हैं। रिपोर्ट यह है कि ईरान की यह मिसाइल रूस पहुंचने वाली है और ऐसा अक्टूबर में ही हो सकता है। फतेह 110 को टेस्ट हुए पूरी दुनिया ने बहुत देखा है, अब इसकी असली हमले वाली लॉन्चिंग भी दुनिया जल्दी देखेगी। ऐसा क्यों होगा, इसके बारे में वॉशिंगटन में मौजूद इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ऑफ वॉर ने बहुत साफ साफ बात बता दी है। अक्टूबर को ईरान पर संयुक्त राष्ट्र की तरफ से लगी मिसाइल और ड्रोन बेचने की पाबंदी खत्म हो रही है और उसके बाद ईरान अपनी मिसाइल और ड्रोन खुल्लम खुल्ला बेच पाएगा। अब सवाल है कि आखिर ये कैसे तय हुआ कि ये मिसाइल रूस खरीदेगा। तो जवाब है कि 19 सितंबर को रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने ईरान का दौरा किया था। ये दौरा बहुत सीक्रेट रखा गया, हालांकि जो तस्वीर सामने आई उसमें ये साफ हो गया कि सर्गेई शोइगु ईरान की मिसाइल देखने तेहरान आए। ईरान ने उनके सामने अपने एक एक हथियार की डिटेल रखी, इसमें ड्रोन भी थे और बैलिस्टिक मिसाइल भी, ठीक वैसे ही हथियार जो रूस को यूक्रेन में लड़ने के लिए चाहिए। ईरान के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजी जादे साथ साथ थे और वो बता रहे थे कि रूस को क्या क्या लेना चाहिए, किस हथियार से उनकी जरूरत पूरी हो सकती है। इसमें सबसे खास रही फतेह 110 मिसाइल। सर्गेई शोइगु ने इस मिसाइल को बहुत गौर से देखा, उन्हें बताया गया कि ये कितनी खतरनाक और सटीक मिसाइल है और ऐसे ही हथियार से रूस ज़ेलेंस्की के बड़े बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला सकता है। सर्गेई शोइगु इस मिसाइल को देखकर काफी खुश हुए। अब इससे ये बात साफ हो रही है कि 18 तारीख को जब ईरान की मिसाइल सेल पर पाबंदी हटेगी तो इसका सबसे बड़ा फायदा रूस को ही होगा और सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ यूक्रेन को नहीं होगा, ये बात भी तय है। फतेह 110 मिसाइल को लेकर डर इतना ज्यादा क्यों है, क्यों है इतना ज्यादा खौफ, क्यों ईरान और रूस के दुश्मन बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, इसकी बहुत सी बारीक बातें हैं, आपको एक एक करके बताते हैं। इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्यों इतना ज्यादा खौफ इस टैक्टिकल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर है। ईरान की यह मिसाइल 300 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकती है, इसकी रेंज 300 किलोमीटर है और 300 किलोमीटर की रेंज में जो भी इसके दायरे में आए उसे नेस्त नाबूद कर देगी, उसे तबाह कर देती है। यानी कि शॉर्ट रेंज मिसाइल जरूर है ये, शॉर्ट रेंज मिसाइल होने के नाते कम दूरी के टारगेट पर बहुत बड़ी तबाही मचा सकती है। 3500 किलो भारी इस मिसाइल में 500 किलोग्राम का वॉरहेड है। ये 3500 की किलो की जो मिसाइल आप देख रहे हैं फतेह 110, 500 किलो का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है ये। यानी कि जहां ये मिसाइल गिरती है वहां 500 किलो वाले बम का धमाका होता है जो सिर्फ और सिर्फ अपने साथ तबाही लेकर आता है। ये अपने टारगेट के 3 मीटर के दायरे में गिरती है और एक बैलिस्टिक मिसाइल का इतना ज्यादा सटीक होना यकीन मानिए बहुत बड़ी बात है। ये मिसाइल मिडिल ईस्ट में अमेरिका के खतरे को देखते हुए बनाई गई थी और यही बात है जो पुतिन को बहुत ज्यादा इस फतेह 110 मिसाइल के बारे में पसंद आ गई है। यह मिसाइल इस वक्त हमास के पास है। हमास वो इस्लामी चरमपंथी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस वक्त पैलेस्टाइन में एक्टिव है और इजरायली सेना को खदेड़ने में सक्षम है।
फतेह 110 वाकई बहुत खतरनाक मिसाइल है। इस मिसाइल के नए वर्जन फतेह 313 इससे पहले अपना प्रैक्टिकल दिखा चुकी है। इसी मिसाइल से ईरान ने इराक में मिलिट्री बेस पर हमला किया था। ये वही मिसाइल है जिससे ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लिया था। फतेह 313 की रेंज फतेह 110 से ज्यादा है। यही वजह है कि ईरान ने इराक में अमेरिका के मिलिट्री बेस पर यह मिसाइल दागी थी। इस मिसाइल के धमाकों ने 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजियों को जहनी रूप से बड़ी चोट पहुंचाई थी, जिसे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी कहते हैं। हमले के बारे में तफसील से जानने के लिए पहले देखिए यह मिसाइल क्यों खबरों में है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक मीडिया इसी मिसाइल की बात कर रहा है। इसराइल में भी यही मिसाइल चर्चा में है। पुतिन ने ईरान से फतेह 110 को लेकर बात पक्की कर ली है। यूक्रेन की मीडिया और सरकारी सोर्स भी अब ईरान के इस मिसाइल को लेकर बहुत ज्यादा दहशत में है। ईरान की यह मिसाइल 2002 में तैयार की गई थी। इसका निर्माण 2002 में हुआ था और तब से इसके कई वर्जन बनाए जा चुके हैं। इसका एडवांस वन वर्जन जो है वो ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसका आधुनिक और लंबी रेंज वाला वर्जन 313 है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा की है, यानी कि 500 किलोमीटर के दायरे में जो भी इसके टारगेट पर आता है वो खत्म तबाह हो जाता है। और इस मिसाइल ने खुद को साबित करके दिखाया भी है। यूक्रेन और इजराइल की इंटेलिजेंस रिपोर्ट दावा कर रही है कि रूस को फतेह 110 के साथ जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल भी मिल सकती है। इन दोनों की रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है। जब से ये बात ईरान के दुश्मनों को पता चली है वो घबराए हुए हैं। जब से ये बात जेलेंस्की को पता चली है वो बहुत दहशत में हैं। अब उनकी एक ही डिमांड है कि किसी भी तरह यूक्रेन की फौज को ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम से लैस किया जाए जो ईरान से मिलने वाले ड्रोन और मिसाइल को काउंटर कर सके। Сьогоднішній російський обстріл ракетами і дронами теж призвів до нових перебоїв з електрикою, але це виправляється. Відновлювальні роботи тривають. Така форма терору не дасть Росії нічого навіть зараз, коли ми ще не маємо достатньої кількості систем ППО. Зеленський को ये बात पता चल गई है कि फतेह 110 मिसाइल को रोकना बहुत मुश्किल है और इसमें अमेरिका भी पूरी तरह फेल साबित रहा है। 8 जनवरी 2020 को ईरान ने जब इराक में अमेरिका के दो मिलिट्री बेस पर हमला किया, ये उसकी सैटेलाइट तस्वीरें हैं। ईरान ने चुन चुन कर अमेरिका के अड्डों को तबाह किया था। कई हैंगर, कई कमांड कंट्रोल सेंटर पूरी तरह तबाह हो गए थे। अमेरिका को हमले की जानकारी तो मिल गई थी, इसलिए उसके सैनिक आसपास अंडरग्राउंड हो गए थे, लेकिन अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की फतेह 110 मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे थे। ईरान ने ऐसी करीब 20 मिसाइलें दागी थी। ये जहां गिरी वहां ऐसे ऐसे गड्ढे बने और 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को धमाकों से गहरा सदमा पहुंचा था। ऐसी ही मिसाइल पावर से पुतिन लैस होना चाहते हैं, ताकि वो जेलेंस्की को वो वाला सबक सिखाएं जो ईरान ने अमेरिका को सिखाया था। ये ना सिर्फ जेलेंस्की के लिए खतरा है, बल्कि पश्चिम एशिया में ईरान और रूस का एक नया तालमेल तैयार कर रहे हैं, जिसका नुकसान इसराइल और अमेरिका दोनों को होगा। Высокая динамика встреч подтверждает общий настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства в оборонной сфере и военном сотрудничестве. Зона давления на Россию и Иран показывает свою бесперспективность. अब ईरान के तेवर समझने हैं तो आप दो तस्वीरों को बहुत गौर से देखिएगा। ईरान ने पहले 19 सितंबर को रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को फतेह 110 मिसाइल दिखाई और फिर 22 सितंबर को यही मिसाइल अपने बहुत ही खास परेड में दुनिया को भी दिखाई। ये काले रंग वाली मिसाइल फतेह 110 को दिखाने का मकसद है कि ईरान और रूस के दुश्मन काबू में रहे। सवाल है कि रूस और ईरान साथ आए तो जेलेंस्की क्या करेंगे? एयर डिफेंस तो ठीक है, लेकिन टक्कर तो बराबर की होनी चाहिए। इसलिए जेलेंस्की के ऑपरेशन को भी बहुत गौर से समझिएगा। जेलेंस्की को अब एटैकम्स मिसाइल मिलने जा रही है, जो हाइमर जैसे लॉन्चर से दागी जाती है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर होती है। अमेरिका से लेकर यूक्रेन तक तमाम मीडिया और देश की सरकारें अब इसी मिसाइल की बात कर रही हैं।
एटैकम्स मिसाइल पर अमेरिका ने अभी तक खामोशी बनाए रखी थी, लेकिन अब वो ये मिसाइल यूक्रेन को भेज रहा है। अगर जेलेंस्की को ये मिसाइल मिली तो उनके हमले रूस के अंदर तक होंगे और ये युद्ध का दायरा बढ़ाने वाला बड़ा खतरा हो सकता है। अमेरिका को मालूम है कि जेलेंस्की ईरान से सप्लाई किए गए शाहिद 136 के आगे लाचार हो चुके हैं, और अगर उन्हें फतेह 110 जैसी मिसाइल मिली तो रूस की फौज कैसे क्यू को रौनते हुए आगे बढ़ जाएगी। The most recent escalation, the United States strongly condemns Russia's missile strikes today, which continue to demonstrate Putin's brutality. As you know, President Biden and the G7 leaders met with President Zelensky last week, and President Biden also spoke with President Zelensky one-on-one the day before that G7 conversation. We are in daily touch with the Ukrainians across the administration, from the National Security Advisor to the Department of Defense and the Department of State. On Friday, we announced an additional $725 million in security package for Ukraine to provide critical needs for it to defend itself, continue to defend itself and bravely. इससे पहले ईरान के शाहिद 136 ने बहुत बड़ी तबाही मचाई है। ये वाकई बहुत खतरनाक ड्रोन है जो अकेले हमला नहीं करता, बल्कि एक साथ कई ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं। ये आत्मघाती ड्रोन है, इन्हें ईरान का कामिकाजे ड्रोन भी कहा जाता है, जो यूक्रेन की पोजीशन पर अटैक कर रहे हैं। देखा जाए तो ईरान अब सीधे तौर पर नहीं तो एक अलग मोर्चे पर अमेरिका को सबक सिखाना चाहता है, और इसीलिए उसने अपनी ड्रोन वाली ताकत रूस को दी है। जब ड्रोन से अटैक होता है तो आसमान से तबाही बरसती है, ये इसका ओरिजिनल वीडियो है। ड्रोन जब ऐसे गिरता है तो बचने का कोई तरीका नहीं रहता। ये स्वार्म अटैक यानी एक साथ मधुमक्खियों की तरह हमला करते हैं। ये जहां टारगेट करते हैं वहीं हमला करते हैं। ऐसे ही हथियारों की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन चुका है यूक्रेन। ईरान ऐसे युद्ध में एक नई एंट्री है, और उसके ड्रोन ईरान की ड्रोन पावर को पूरी दुनिया में पहचान दिला चुके हैं। अब बारी फतेह 110 मिसाइल की है, जो पुतिन को गजब की पावर देगी। ईरान के हथियार मिलने से पुतिन को जबरदस्त फायदा हुआ है, जबकि जेलेंस्की को अब बड़े नुकसान का खतरा समझ में आ गया है, क्योंकि अब ड्रोन के साथ रूस के पास ईरान की मिसाइल भी आने वाली है। पुतिन और ईरान की दोस्ती अक्टूबर के महीने में अमेरिका और नाटो को बहुत धक्का पहुंचा सकती है। ईरान से निकाली गई आग अब यूक्रेन में नए शोले भड़काने वाली है, और पुतिन इसके लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं।